मसीह यीशु दोबारा झील के दूसरे तट पर चले गए। एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई। मसीह यीशु झील तट पर ही रहे। स्थानीय यहूदी सभागृह का एक अधिकारी जिसका नाम याइरास था वहां आया। ये देख कि वो कौन है, वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। बड़ी ही विनती के साथ उसने मसीह यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रख दीजिए कि वो स्वस्थ हो जाए और जीवित रहे। मसीह यीशु उसके साथ चले गए। बड़ी भीड़ भी उनके पीछे पीछे चल रही थी और लोग उन पर गिरे पड़ रहे थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्त स्राव से पीड़ित थी। अनेक चिकित्सकों के हाथों उसने अनेक पीड़ाएं सही थी। इसमें वो अपना सब कुछ व्यय कर चुकी थी, फिर भी इससे उसे लाभ के बदले हानि ही उठानी पड़ी थी। मसीह यीशु के विषय में सुनकर उसने भीड़ में उनके पीछे आकर उनका वस्त्र छुआ। उसका ये विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्त स्राव थम गया। स्वयं उसे अपने शरीर में ये मालूम हो गया कि वो अपनी पीड़ा से ठीक हो चुकी है। उसी क्षण मसीह यीशु को भी आभास हुआ कि उनमें से सामर्थ्य निकली है। भीड़ में ही उन्होंने मुड़कर प्रश्न किया, कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? शिष्यों ने उनसे कहा, आप तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार भीड़ आप पर गिरी पड़ रही है, और आप प्रश्न कर रहे हैं कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? प्रभु की दृष्टि उसे खोजने लगी जिसने ये किया था। वो स्त्री ये जानते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है, भय से कांपती हुई उनके चरणों पर आ गिरी और उन पर सारी सच्चाई प्रकट कर दी। मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है, शांति में विदा हो जाओ और स्वस्थ रहो। जब मसीह यीशु ये कह ही रहे थे, याइरास के घर से आए कुछ लोगों ने ये सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवार को कष्ट देने का क्या लाभ? मसीह यीशु ने सुन उस यहूदी सभागृह अधिकारी से कहा, भयभीत ना हो, केवल विश्वास करो। उन्होंने पत्रस, याकोब तथा याकोब के भाई योहन के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने साथ आने की अनुमति न दी और ये सब यहूदी सभागृह अधिकारी के घर पर पहुंचे। मसीह यीशु ने देखा कि वहां शोर मचा हुआ है तथा लोग ऊंची आवाज में रो पीट रहे हैं। घर में प्रवेश कर मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ये शोर और रोना पीटना क्यों? बच्ची की मृत्यु नहीं हुई है, वो केवल सो रही है। ये सुन वे मसीह यीशु का ठट्ठा करने लगे, किंतु मसीह यीशु ने उन सभी को वहां से बाहर निकाल बच्ची के पिता तथा अपने साथियों को साथ ले उस कक्ष में प्रवेश किया जहां वो बालिका थी। वहां उन्होंने बालिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कोम, अर्थात बालिके उठो। उसी क्षण वो उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। इस पर वे सभी चकित रह गए। बालिका की आयु 12 वर्ष थी। मसीह यीशु ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिए कि इस घटना के विषय में कोई भी जानने ना पाए और फिर उनसे कहा कि उस बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए।